नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज सपोज ए एंड बी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम चेंज देयर पोजिशन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग दैम बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड वाइल मेंटेनिंग द सेपरेशन एक्स सवाल है वॉट विल बी द टाइम लैग बी फाइंड बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग द ड्रम बीटन बाय ए सो नाउ सिनेरियो ये है कि आपने सिचुएशन uh, ये है कि यहाँ पे आपका पर्सन ए है हु इज बीटिंग ड्रम और बी इस बार यहां जाके ऐसे खड़ा हो गया है और ये साउंड आपकी इस बार ऐसे जा रही है ऐसे विंड वी डब्ल्यू इधर ही है और साउंड इस बार वी आ, जो आपकी साउंड है वो इस बार ऐसे ट्रैवल कर रही है सवाल ये यह है कि यहाँ से वहां उसका टाइम कितना लगेगा ना रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है अब इसको ऐसे देखना कि क्योंकि यहाँ पे साउंड जो ट्रैवल कर रही है वो साउंड ऐसे ट्रैवल की और विंड उसको उधर ले गई तो जो साउंड ये साउंड आपकी हर डायरेक्शन में जा रही है तो जो साउंड इस तरफ ट्रैवल की है और सेम वेलोसिटी से साउंड आपकी ऐसे सब डायरेक्शन में जा रही है तो जो साउंड ये ट्रैवल की है क्योंकि विंड उसको इधर ले गई है वो वाली आपको यहाँ पे बी को अब सुनाई देगी तो उस केस में जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे लाइक तो इस केस में ये जो आपकी वेलोसिटी है ये जो हाइपर है ये नाइन्टी का एंगल है जो हाइपर है ये है आपका वेलासिटी ऑफ साउंड और ये जो वेलोसिटी है ये आपका वी डब्ल्यू है और इवेंचुअली ये डिस्टेंस आपका एक्स जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स आपने या साउंड आप ने ट्रैवल किया है तो इस केस में ये जो अगर हाइपर से देखेंगे सो ये वाला जो बेस है अपना सो बेस जो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये जो बेस आपकी वेलोसिटी है जो एक्चुअल रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसको हम रिजल्टेंट वेलोसिटी लिख लेते हैं वी रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एस स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी सो टाइम टेकन जो है दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव स्क्वायर ये आपका एक्चुअल टाइम टेकन हो जाएगा ना no, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कुछ ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है कुछ सवाल इसी के ऊपर हम एक और स्टेप आगे बढ़ा के आप लोगों से पूछते हैं आपके एग्जाम में इसी को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें सो so आपका जो टाइम टी आया दैट विल बी इक्वल टू उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ इसे आप लिख सकते हैं वी एस प्लस वी डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई वी एस माइनस वी डब्ल्यू और इस एक्स को भी अगर हम अंदर ले आएँ तो वन ये डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा ना इसको अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो है आपका इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक काम करते हैं इसको आप लिख लें अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स नाउ ये जो है अगर इसमें नोटिस करोगे सो so ये एक्स डिवाइडेड बाय आपका जो टी वन टाइम था सो टी वन इज़ एक्स डिवाइड बाय वी एस प्लस वी डब्ल्यू सो जो टाइम है टी ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ टी वन मल्टीप्लाइड बाय अंडर ऑफ टी टू यह आपका टाइम टी वन है या आपका टाइम टी टू है तो ये टाइम टी वन और टी टू तो कई बार ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है सो आई थाट यहीं पर इसको भी कवर कर लेते हैं सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम